मित्रों नमस्त संस्कृत आय संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण और यूजीसी नेट जेआरएफ की दूसरी इकाई में आपको उपनिषद साहित्य पढ़ना है। तो उस उपनिषद साहित्य में कभी कभी कुछ वचन कुछ सूक्तियाँ उपनिषदों की कुछ पंक्तियाँ आपसे परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। उन महत्वपूर्ण पंक्तियों की आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आकारादि क्रम से मैं सूक्तियाँ बोलता चलता हूँ, सभी उपनिषदों की सूक्तियाँ इसमें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः श्वेतासुतर उपनिषद की यह सूक्ति है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण अजा, एक अज यानी जीव और एक अजा यानी प्रकृति, इनका सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा अज उस भुक्त भोगा को त्याग देता है। अब कठोपनिषद की एक सूक्ति है, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद, यह आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत एवं पुराण रूप आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, ईशावास्य उपनिषद। अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की एक सूक्ति लीजिए, अन्नम न निंद्यात। तैत्तिरीय उपनिषद की यह सूक्ति है, अन्नम न निंद्यात, अन्य की निंदा ना करें और अन्य के महत्व को समझें। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, यह बृहदारण्यक उपनिषद की सूक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि। पहले यह ब्रह्मी था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत, कठोपनिषद। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत, हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, श्वेतासुतर उपनिषद। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापक समस्त भूतों का अंतरात्मा है। ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद घन, वह परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, वह जगत भी पूर्ण ही है, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है, पूर्ण के पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचा रहता है। ओम इति ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। ओम इति ब्रह्म, ओम यह परब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, ईशावास्य उपनिषद। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः, शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। जीवेम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, यजुर्वेद का। उसी की कृपा से हम 100 वर्ष तक देखने वाले और जीवित रहने वाले हों। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, श्वेतासुतर उपनिषद। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, परमेश्वर की महत्ता का वर्णन है इसमें। सब उसके प्रकाशित होने से ही प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हैं। त्रयस्त्रिंशदेव देवाः, त्रयस्त्रिंशदेव देवाः, बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क शाकल ऋषि के पूछने पर देवता कितने हैं, याज्ञवल्क उत्तर देते हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देवगण हैं, तथा इंद्र और प्रजापति सहित 33 देवता हो गए। छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य लिखा है, त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञोध्ययनं दानम, त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञः अध्ययनं दानम,
ओंकार उपासना विधान करने के लिए त्रयो धर्मा स्कंधा इत्यादि प्रकरण है। धर्म के तीन स्कंध यानी आधार स्तंभ हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। धीरो हर्षचोषो कौ जहाति, धीरो हर्षशो कौ जहाति। कठोपनिषद यमराज नचकेता को आत्मज्ञान के विषय में बताते हैं, पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर यानी बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः कठोपनिषद, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः कठोपनिषद। यमराज द्वारा स्वर्ग के दैवी भोगों के प्रलोभन को सुनकर नचकेता उत्तर देता है कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, नेति नेति बृहदारण्यकोपनिषद, नेति नेति। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद में मैत्रेयी याज्ञवल्क से प्रश्न करती है कि भगवान, यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ अथवा नहीं? तो नेति नेति, नहीं नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद की एक सूक्ति और है, नेह नानास्ति किंचन। नानात्वदर्शी की दुर्गति का वर्णन है। ब्रह्म को आचार्योपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए, इसमें नाना कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन बृहदारण्यकोपनिषद। मां गृधा कस्य सिद्धनम ईशावास्योपनिषद, मां गृधा कस्य सिद्धनम, किसी के धन की इच्छा ना करें, ईशावास्योपनिषद में लिखा है। अथर्वेद में है, मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षत। अथर्वा ऋषि ने कहा एक भाई दूसरे भाई से द्वेष ना करे। मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षत अथर्वेद की सूक्ति है। यज्ञोपवेतम परमं पवित्रं प्रजापतिरे यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवेतम बलमस्तु तेजः। ये ब्रह्मोपनिषद की सूक्ति है। तैत्तरीयोपनिषद में लिखा है रसो वैसः, रसो वैसः। ब्रह्म की सुकृतता एवं आनंद रूपता का तथा ब्रह्म वेत्ता की अभय प्राप्ति का वर्णन है। वो जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चित रस ही है। विद्यायामृतमश्नुते ईशावास्योपनिषद, विद्यायामृतमश्नुते। प्रस्तुत मंत्र में कर्म और उपासना के समुच्चय का फल बताया गया है, विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। छांदोग्योपनिषद में लिखा है वेदा हिमृताः, वेद ही अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं, वेदा हिमृताः। श्रद्धया सत्यमाप्यते यजुर्वेद में लिखा है, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सत्यमेव जयते नानृतम मुंडकोपनिषद की सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जय को प्राप्त होता है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म तैत्तरीय उपनिषद में है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। प्रस्तुत मंत्र में ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन है, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम वद धर्मम चर, यह भी तैत्तरीय उपनिषद की सूक्ति है, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ये वेदाध्ययन के अनंतर शिष्य को आचार्य उपदेश करता है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, माता को देव के तुल्य समझना है, पिता को देव तुल्य समझना है, गुरुजनों को आचार्यों को देव तुल्य समझना है। सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम महानारायण उपनिषद में, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। छांदोग्योपनिषद की सूक्ति है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ब्रह्म की विशिष्ट गुण युक्त और शक्तिमान रूप से उपासना का विधान करने की इच्छा से ये श्रुति वचन कहता है कि यह सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म ही है। सहना अववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै कठोपनिषद, कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली की समाप्ति पर यम द्वारा शांति पाठ किया जाता है। परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों को साथ साथ रक्षा करे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। इसी तरह की ऋग्वेद में एक सूक्ति है दसवें मंडल में, संगक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। हे स्तोताओं, तुम में एक विचार से मिलकर रहो, आपस में मिलकर प्रेम से वार्तालाप करो। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति कठोपनिषद, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। प्रथम वर प्राप्त होने के बाद नचकेता यम से दूसरे वर स्वर्ग की अग्निविद्या के विषय में बोले, मैं जानता हूँ कि स्वर्ग लोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये मित्रों महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी, उपनिषदों से संबद्ध सूक्तियाँ थी जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी।
हम फिर किसी दूसरी सूक्ति के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।